एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ वाटर, तो आइडियली होना चाहिए। जैसे मैं किसी भी, ये आपका वी है मान लो, देखो ध्यान से, और ये आपका टेम्परेचर है। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम कम करता जा रहा हूँ, किस टेम्परेचर कम करता जा रहा हूँ, तो वॉल्यूम कम होता जाना चाहिए। यही मतलब है वी डैश इक्वल टू वी प्लस गामा डेल्टा थीटा। तो इसका कम होता जाता है, कम होता जाता है, जो नेचुरल है एकदम। बट क्या होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ही टेम्परेचर कम करते हैं, पर्टिकुलर मास ऑफ लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ जाता है इस तरीके से। तो ये जो आ रहा है बड़ा ही, बहुत ही जबरदस्त एक नेचर का पता नहीं क्या है। हर लिक्विड के साथ ये होता है, टेम्परेचर कम करते जाते हैं, वॉल्यूम कम होता जाता है। बट 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ही कम होता है टेम्परेचर पानी का, अरे रुक जाओ यार, टेम्परेचर जैसे ही कम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड से वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है ना। यहाँ से इसका वॉल्यूम कम होने की बजाय बढ़ जाता है। तो इसी तरह डेंसिटी का प्लॉट ड्रॉ करूँ, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास तो चेंज होता नहीं है, ठीक है ना। डेंसिटी क्या होती है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो मास तो चेंज होता नहीं, तो वॉल्यूम कम करने पर क्या होता है, डेंसिटी बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है घटती है, और यहाँ पर आके एकदम कम हो जाती है इसकी, ये डिक्रीज करना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो अगर कोई चीज पानी से हल्की होती है तो वो पानी में फ्लोट करती है, बताने की जरूरत मुझे है नहीं वैसे आपको, ये लोग मानते ही नहीं यार। हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। ऋषभ बोल रहे हो क्या? ऋषभ 2 मिनट में कॉल करो बेटा, 20 मिनट्स में क्लास खत्म ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ चलो। तो आपने यहाँ पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से आपने इसको कम किया, ठीक है। कम करते करते क्या हो गया, ये आपने इसका वॉल्यूम कम बढ़ने लग गया, तो यहाँ पे डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो आप नॉर्मल फ्रीजिंग प्रोसेस देखो यार, इतनी सही बात बता रहा था मैं। ये आपने नॉर्मल ऑयल है आपका मान लो कोई, ठीक है ना। आप इसको कोल्ड करते जाते हैं, ठंडा करते जाते हैं, तो इसके ठंडा होने की प्रोसेस क्या है, ठीक है। कि जो आपका जैसे जो चीज ठंडी होती जाती है उसकी डेंसिटी क्या हो रही, बढ़ती जाती है, ठीक है। तो आपने इसको ठंडा किया, सरफेस पे ठंड पड़ रही है मान लो बाहर, तो इसका ये भारी हो जाएगा सरफेस वाला और ये नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा क्या होगा, लिक्विड नीचे से ऊपर आ जाएगा, तो फिर वो ठंडा हो जाएगा। इस तरह से पूरा सर्कल में पूरा लिक्विड ठंडा हो जाता है। तो प्रोसेस क्या है, ठंडा होके जमने की किसी भी लिक्विड के, कि जो ठंडा होगा उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी और डूब जाएगा, यही होता है बेटा, ठीक है ना। उसकी डेंसिटी नीचे वाले से बढ़ जाएगी और वो चीज नीचे डूब जाएगी, और फिर नीचे वाली ऊपर आ जाएगी लाइट डेंसिटी वाली, ठीक है। तो वाटर का भी यही चलता है कि पूरा लिक्विड ठंडा होता है, जो ठंडा होता जाता है। अब आपका लिक्विड है, वाटर है ये, तो आप ठंडा होते होते क्या होता है, ये नीचे जाता जाता है, बाकी ऊपर आता जाता है। बट जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम हुआ, तो ये ठंडे वाला ऊपर ठंडा ही रह जाता है, ऊपर ही रह जाता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। देख रहे बेटा कितना, बिल्कुल ही एक तरह से बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, कुछ भी समझ लो, कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होते ही टेम्परेचर डेंसिटी कम हो जाती है, तो जो ठंडा वाला है वो ऊपर ही ठंडा होता रहता है, ठीक है, और नीचे वो लिक्विड ही बना रहता है। ठंडा होते होते 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आकर बर्फ भी बन जाता है, बट नीचे पानी रह जाता है। समझ रहे हैं इस चीज को आप बिल्कुल। मैंने ग्रोथ ऑफ आइस, अच्छा बताऊंगा, चलो पढ़ेंगे अपन, रेट भी निकालेंगे अपन, किस रेट से बर्फ जमती है जब अपन हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे, ठीक है। बट आपको अभी ये क्लियर है क्या कि पानी जो है आपका कैसे जम रहा है, नॉर्मल लिक्विड के जमने की प्रोसेस ये, आप टेम्परेचर कम करता जाते हैं, ठीक है। अब बाहर की ठंड पड़ गई, ठंड में मान लो कोई लिक्विड पूरा जम जाता है, तो उसका ऊपर वाला भारी हो जाता है, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा डेंसिटी बढ़ेगी, तो भारी वाला नीचे चला जाएगा, हल्के वाला ऊपर आएगा, तो फिर वो ठंडा हो जाएगा। तो इस तरह से पूरे सर्कल में पूरा जम जाता है, ठीक है ना, क्योंकि जैसे ही ठंडा होता है नीचे जाता है, वो ऊपर आता है, फिर वो जम जाता है, तो इस तरह से फाइनल पूरा लिक्विड जम जाता है। बट वाटर में क्या होता है, वाटर में आप ठंडा करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, यहाँ सरफेस पर शुरू में पूरा नीचे जाता जा रहा है, गर्म ऊपर आ रहा है, फिर वो ठंडा हो रहा है। बट जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हुआ, तो जो ठंडा होने वाला है इसकी डेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। तो कम डेंसिटी वाला तो ज्यादा डेंसिटी वाले लिक्विड से ऊपर ही रहता है, यहाँ पर पूरी आइस बन जाती है, बट नीचे आपका क्या रहता है, पानी बना रहता है, ठीक है। क्लियर है बेटा एकदम? तो
ये होता है एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ वाटर। तो एक टॉपिक और इधर ही कर देता हूँ मैं, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, जहाँ पे भी जैसे यूज होंगे अपनी समझदारी से यूज होंगे आपके, ठीक है ना। थ्योरी है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी ऑफ लिक सॉलिड और लिक्विड, वो आप समझ ही गए अभी जैसा मैंने इसके ऊपर बताया, उसको निकाल भी लेते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड दोनों के लिए, ऑन डेंसिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड क्या है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो रो डैश कितना हो गया, मास अपॉन वी डैश, ये हो गया वी प्लस वी गामा इंटू डेल्टा थीटा, ऐसे लिखोगे। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो नया वॉल्यूम, तो रो डैश क्या लिख दोगे, उसमें से कॉमन ले लो आप एम अपॉन वी वन प्लस गामा डेल्टा थीटा, तो ये रो डैश का एक्सप्रेशन आ जाएगा जैसे वॉल्यूम का होता है। एम बाई वी को वापस ओरिजिनल डेंसिटी लिख दो, ठीक है। तो रो डैश कितना आ गया, रो अपॉन वन प्लस गामा डेल्टा थीटा। ये आपको इस तरह का भी मिल सकता है डायरेक्ट, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ ले। यूज पहले आप इस तरह का करें, अभी जो मैं निकाल रहा हूँ इसके नेक्स्ट वाला वो अप्रोक्सीमेट है, तो उसको यूज करने से पहले आप एग्जैक्ट ये वाला यूज करा करें न्यूमेरिकल। बट चार ऑप्शंस में आपको ये भी लिख सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये लिखा हुआ है आपका वन प्लस गामा डेल्टा थीटा, अब इसको मैंने ऊपर ले गया वन प्लस गामा डेल्टा थीटा माइनस वन। अब क्योंकि गामा क्या होता है, बहुत छोटा होता है, फिर से वही कहानी, तो इसको आपको एक्सप्रेशन ये भी मिल सकता है वन माइनस गामा डेल्टा थीटा। देख आप दोनों से लीजिए, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी कम है, टेम्परेचर घटाओगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, और वो चीज़ डूबती है। बट वाटर के केस में 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम करने पर भी आपकी डेंसिटी क्या होगी, घटेगी नहीं बढ़ेगी नहीं बल्कि कम हो जाएगी, तो इसलिए वो बर्फ ऊपर ही रहती है और नीचे पानी रहता है जिसमें मछलियां तैरती रहती है, ठीक है। अब मैं कुछ वॉल्यूम एक्सपेंड